हे गाइस, वेलकम ऑन माय स्टडी दोष यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो फाइज, आप सभी को पता ही होगा कि सभी एग्जाम में लगभग मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं, और ये ऐसा है कि हर टाइम अपडेट होता रहता है। तो अभी मैं जो लेके आया हूँ आपके लिए, वो सारी की सारी चीज़ें लेटेस्ट हैं, और गवर्नमेंट की जो खुद की वेबसाइट है india.gov.in पे, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ये सारा डाटा वहीं से लिया गया है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम को देखते हुए जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको इसी कंप्लीट वीडियो में मैं दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो को जो है ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। जो चीज़ें यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, वो पहले ही बता देता हूँ आपके लिए। जो करने वाला हूँ, चीफ मिनिस्टर सभी स्टेट के मैं बताऊँगा, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स ये भी आपको बता दिए जाएंगे। उसके बाद में जो गवर्नर होंगे वो आपको बता दूंगा सभी स्टेट के, चीफ ऑफ आर्म फोर्सेज ये भी आपको डिटेल के साथ में बता दिए जाएंगे, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो रेयर है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से भी आपके क्वेश्चंस आएँ, लेकिन जो ऊपर के पांच टॉपिक हैं इनसे तो क्वेश्चंस आपको एयरफोर्स और नेवी में स्पेशली पूछे जाएंगे। तो आपको पेशेंस के साथ में इस वीडियो को देखना है एकदम पीसफुल माहौल में, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा स्टैटिक डाटा आपके लिए होने वाला है, जो डायरेक्टली आपको याद करना है। और वो अगर आप ऐसे माहौल में देखते हैं जहाँ पर आपका दिमाग थोड़ा फोकस के साथ काम नहीं कर रहा है, तो उसको आप याद नहीं कर पाएंगे। इसको सीधी सी बात यही है कि या तो आप कोई ट्रिक बनाना जानते हैं तो उससे याद कर सकते हैं, कोई इशू, लेकिन मेरे पास तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। बहुत से वीडियोज़ में देखता हूँ ट्रिक बता देते हैं। तो आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप जितना पेशेंस के साथ में उस ट्रिक को अप्लाई कर रहे हैं, जितना टाइम उस ट्रिक को दे रहे हैं, इतने टाइम में आप अपने डाटा को याद कर लीजिए, और वो ट्रिक कुछ दिन बाद में अपडेट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है हर एक दो महीने में गवर्नर वगैरह, CM वगैरह ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि आप इसका जो है, हो सकता है इस वीडियो को आप एक महीने बाद कोई देख रहा है, तो उसको जो है डाटा में कुछ अपडेटेड करने की ज़रूरत है, तो वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पे जाके आप अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। और गाइज, इसका PDF फाइल भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये कहाँ से मैंने लिया है, ये वेबसाइट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका भी लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, www.india.gov.in। और इसमें माई गवर्नमेंट का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे सारी चीज़ें गवर्नमेंट की द्वारा ही यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, कौन क्या है इस टाइम, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट से। ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है, लेकिन इस वीडियो में मैं कंप्लीट चीज़ें देने वाला हूँ, तो वो चीज़ें भी आपको मिलेंगी जो आपको नहीं पता है। नाम है इनका रामनाथ कोविंद, पिता का नाम भी अगर आप जानना चाहें तो स्वर्गीय श्री मैकूलाल है, माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती कलावती है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1945। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये इनका फोटो है, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट गाइज आपके लिए है उपराष्ट्रपति, ये हैं आपके पास में वेंकैया नायडू, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, और इनका भी डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1949। बस इतना आपको याद रख लेना है, यही आपसे पूछेगा, उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसके अलावा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। कुछ डाटा जो है आपको अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये है इनकी फ़ोटो, ये हैं हमारे उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट आपके पास में है प्रधानमंत्री, जो कि हैं श्री नरेंद्र मोदी, और ये इनका फ़ोटो है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे गवर्नर्स की, ठीक है ना। तो अभी आपको याद रख लेना है, यहाँ पर ये इंडेक्स बना हुआ है, और यहाँ पे स्टेट होंगे और यहाँ पे राज्यपाल यानी कि गवर्नर होंगे, ठीक है ना। तो टोटल आपको जो भी है यह सारा डाटा यहाँ पे मिल जाएगा, और लेटेस्ट अपडेटेड यह है, इसके प्रूफ के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ओके गाइस, सबसे पहला स्टेट यहाँ पे मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो है श्री बिश्वाभूषण हरिचंदन, ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो ये हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा, जो कि सेनाव्रत हैं। असम के अगर मैं गवर्नर की बात करूँ तो प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी हैं। बिहार का अगर मैं बात करूँ तो फागु चौहान है। और देखिए, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी बताऊँगा जो मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, बिहार का बहुत बार पूछा जाता है और असम का भी बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के श्री अनसुईया उइके हैं। गोवा के श्रीमती मृदुला सिन्हा हैं, तो ये भी गोवा का बहुत ज़्यादा पूछे जाने वालों में से एक है। गुजरात श्री आचार्य देवव्रत हैं। हरियाणा के लिए श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं। नेक्स्ट आपके पास में है हिमाचल प्रदेश, जी की है बंडारू दत्तात्रेय हैं। जम्मू कश्मीर, जो कि अभी सुर्खियों में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, श्री सत्यपाल मलिक। लेकिन अभी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू है, तो ये भी आपको थोड़ा सा अपडेट करना है, तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी इसको यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है, और यूनियन टेरेटरी में जो है गवर्नर नहीं होता है,
चीफ गवर्नर होता है कि उपराज्यपाल आपके पास में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी इसको याद मत रखिएगा, ये डाटा वेबसाइट पे भी नहीं हटाया गया है, तो इसको आप अपने दिमाग से थोड़ा हटा लीजिए। ये इसलिए नहीं हटाया गया है क्योंकि अभी भी ये स्टेट ये है, ये 31 अक्टूबर 2019 से जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा इनको मिल जाएगा। तो अभी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी राष्ट्रपति शासन है, तो ये चीज़ पर आपको ध्यान रख लेनी है। उसके बाद देखिए झारखंड, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक, वजूभाई वाला, तो ये भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वजूभाई वाला, क्योंकि कर्नाटक में सरकार गिर गई थी और उसके बाद में फिर से सीएम बने थे, ये भी सुर्खियों में है, इसलिए वजूभाई वाला याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए केरल, जो कि है आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश, लालजी टंडन, जो कि अभी नए बने हैं, तो ये भी ज़्यादा पूछे जाने वाले में एक है। महाराष्ट्र, भगत सिंह किशोरी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए मणिपुर, जो कि है पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य। मेघालय, देखिए जो ईस्टर्न स्टेट है हमारे, उसका तो आपको याद रख लेना है, जो 7-8 स्टेट हैं उधर, तो उनका जो है बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, श्री तथागत रॉय, तो ये आपको ध्यान रखना है। मिजोरम के श्री प्रोफेसर जगदीश मुखी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास में है नागालैंड, जो कि श्री आर एन रवि। ओडिशा, प्रोफेसर गणेश लाल। और पंजाब के श्री वी पी सिंह बदनौर। राजस्थान के कलराज मिश्र, ये भी ध्यान रखना है, अभी नए बने हैं। सिक्किम के श्री गंगा प्रसाद। तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित। तेलंगाना के डॉक्टर तमिली साई सोध राराजन, ठीक है ना, तमिली साई सोध राराजन, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। त्रिपुरा के रमेश बैस, ये भी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की श्रीमती आनंदीबेन पटेल, तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड, बेबी रानी मौर्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पश्चिमी बंगाल, जो भी अभी नए बने हैं, जगदीप धनखड़, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कुछ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मैंने बताए हैं, वो तो कम से कम आपको यहाँ पे ध्यान होने चाहिए। अब इसको देखिए, आप कहेंगे कि सर एक बार में ये याद नहीं होंगे, तो इसको बार बार आप क्या कीजिए, एग्जाम टाइम में जब भी आप जाएं, तो लास्ट 2-3 घंटे पहले, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, 10-15 मिनट का टाइम नहीं दूंगा, आधे घंटे पहले आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तो उस टाइम में एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में देख लीजिएगा जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए। पीडीएफ फाइल में दे दूंगा, तो उस टाइम आपको वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम, मुख्यमंत्री की। तो यहाँ पे आपके स्टेट हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे मुख्यमंत्री। तो सबसे पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश, इसके जो सीएम हैं श्री वाईएस जगमोहन रेड्डी, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश पीमा खांडू, ये भी इम्पोर्टेंट है। असम सर्वानंद सोनोवाला, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार के तो आपको ऑब्वियसली लगभग याद रह ही जाते हैं, नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, तो ये भी अभी आपको याद रखना है। और दिल्ली, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यहाँ के सबको याद होंगे, अरविंद केजरीवाल। गोवा के प्रमोद सावंत, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है, नए सीएम बने हैं, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, प्रमोद सावंत। उसके बाद गुजरात के विजय रूपाणी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास में है हरियाणा, हरियाणा के श्री मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर। झारखंड रघुबर दास। कर्नाटक के हैं बी एस येदुरप्पा, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था नए बने हैं कर्नाटक के, और ये लगातार दूसरी बार बने हैं, पहले इनकी जो है दूसरी पार्टी के बने थे, लेकिन उनकी सरकार गिर गई थी 114 दिन के बाद में, तो फिर इनको दोबारा से चुन लिया गया, तो बी एस येदुरप्पा, ये आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद में देखिए केरल, जो कि हैं पिनरई विजयन। उसके बाद मध्य प्रदेश कमलनाथ, जो भी आपको याद होगा। महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, तो ये भी पूछ लिया जाता है। मणिपुर बी एन वीरेन सिंह। मेघालय कोनराड संगमा, ये भी ध्यान रखना है। और मिजोरम के जो हैं पीयू जोराम थांगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास में है नागालैंड, जो कि है नेफ्रियो। ओडिशा नवीन पटनायक, तो ये भी याद रख लेना है, सुर्खियों में रहेंगे ये, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसके बाद है पुडुचेरी, इसके हैं श्री वी नारायण स्वामी, ठीक है ना। उसके बाद पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, तो इसको भी याद रखना है। राजस्थान के तो ऑब्वियसली याद ही रखना है, अशोक गहलोत। सिक्किम पी एस गोले। तमिलनाडु टी ई के पलनी सामी। तेलंगाना के श्री चंद्रशेखर राव, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा जिके है विप्लव कुमार देव, तो ये दोनों भी आपको याद रखना। उत्तर प्रदेश तो आपको ऑब्वियसली याद होंगे, योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है आपके पास उत्तराखंड, जो कि हैं श्री देवेंद्र सिंह रावत और सुश्री ममता बनर्जी, ये हैं पश्चिमी बंगाल के, तो ये भी ऑब्वियसली आपको याद होंगे। कुछ तो आपको देखिए इनमें से याद होंगे, कुछ जो आपको मिसिंग होंगे वो आपको एक साथ सारी चीज़ें मिल जाएंगी पीडीएफ फाइल के रूप में टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप इसको बार बार रिविजन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे गाइस यहाँ पे हम देखेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा प्रशासक।
तो ये संघ राज्य यानी कि जो यूटीज हैं हमारे, उनके भी आपको याद रखने हैं। वहाँ पे देखिए कोई सीएम वगैरह नहीं होते, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं ओनली, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ के एडमिरल डीके जोशी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और चंडीगढ़ यहाँ की यूटी है, यहाँ के वीपी सिंह बदनोर यहाँ के प्रशासक हैं। उसके बाद दादर और नागर हवेली श्री प्रफुल्ल पटेल हैं प्रशासक, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दमन और दीव ये भी यूटी हैं, श्री प्रफुल्ल पटेल प्रशासक हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राज्य राजधानी क्षेत्र अनिल बैजल, ये आपको ध्यान रख लेना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के अनिल बैजल हैं। उसके बाद देखिए लक्षद्वीप श्री फारूक खान आईपीएस सेनावर्ती प्रशासक हैं, और पुडुचेरी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किरण बेदी आईपीएस सेनावर्ती और लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के हैं। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि सर दो नए और यूटीज बन गए हैं, लेकिन वो भी अस्तित्व में नहीं आए हैं, 31 अक्टूबर के बाद में वो अस्तित्व में आएंगे, तब आपको वो चीज़ याद रखनी है, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस यानी कि सेना प्रमुख। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सेना प्रमुख हैं आपके पास में हैं वो हैं जनरल विपिन रावत। तो ये इनकी फ़ोटो है, और आपने ऑब्वियसली इन सभी को याद कर रखा होगा, लेकिन फिर भी मेरा बताने का फ़र्ज है तो बता देता हूँ, सेना प्रमुख है जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट आपके पास में है वायु सेना प्रमुख, जो कि आपको पता ही है, एयर प्रमुख मार्शल बीएस धनोआ है, ये इनकी फ़ोटो है, तो इनको फ़ोटो से और नाम से दोनों से याद रख लेना है, वायुसेना प्रमुख ये हैं। जो अभी आपको याद रख लेना है वो है नौसेना प्रमुख, जो आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली इनका पद चेंज हुआ है, तो ये हैं एडमिरल करमवीर सिंह, इससे पहले सुनील लांबा थे, तो ये आपको याद रख लेना, ये इनकी फ़ोटो है और इस तरह के ये देखते हैं। आगे गाइज हम बात करते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर के जो है उच्चतम न्यायालय में कुल 31 न्यायाधीश होते हैं, और इनकी जो सेनावृत्ति होने का टाइम होता है वो 65 वर्ष की उम्र तक का होता है, तब तक ये पद पर बने रहते हैं, तो ये इतनी चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जज कौन है सुप्रीम कोर्ट के। वैसे तो गाइज आपको मैं बता चुका हूँ कि 31 होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही याद रख लेना है, वो है आपके पास में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रंजन गोगोई। ठीक है ना, रंजन गोगोई आपके पास में है, इनको याद रख लीजिएगा, ये इनका फोटो है, तो बस इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब गाइज आपके पास में नेक्स्ट आ रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये अभी क्या है ना कि नई गवर्नमेंट बनी है तो नए मिनिस्टर्स आए हैं, उनका पदभार भी चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये कहूँगा कि ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम इन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इनको जो है मंत्री भार के कार्यभार भी दिए गए हैं, जो कि आपके पास में कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय इनके पास में है, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, इन सभी को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने अंडर रखते हैं। सभी प्रमुख नीतिगत मामले वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो सभी जो हैं नरेंद्र मोदी जी के पास में हैं। अब हम एक एक करके सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में जानते हैं। तो याद रखना श्री राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्रालय से हैं, उसके बाद में आपको याद रखना है जो कि डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्रालय, मैंने आपको बताया याद रखिएगा, श्री अमित शाह जो कि गृह मंत्रालय से यानी कि होम मिनिस्टर से हैं, तो होम मिनिस्टर अमित शाह याद रख लेना है। उसके बाद में देखिए श्री नितिन जयराम गडकरी जो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इनके अंडर है, और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भी इनके अंडर है। उसके बाद देखिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय श्री डीवी सदानंद गौड़ा, ये आपको याद रख लेना है, ये इनके अंडर है। नेक्स्ट आपके पास में है श्रीमती निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय इनके पास है। श्री रामविलास पासवान ये फेमस है, आपको याद रख लेना है थोड़ा सा, तो आपको याद रखना है उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। देखिए फेमस होने का मतलब कुछ नहीं है, जो सुर्खियों में ज़्यादा रहते हैं उनको ही यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद में श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय इनके पास में है। उसके बाद में श्री रविशंकर प्रसाद कानून एवं न्याय मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये इनको थोड़ा सा ब्रीफ में याद रखिएगा, जितना याद रह सके उतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो आपके पास में है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जो कि खाद्य प्रसारण और उद्योग मंत्रालय इनके पास में है। श्री थावरचंद गहलोत
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय इनके पास में है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि विदेश मंत्रालय है इनके पास में, ये इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा, श्री रमेश पोखरियाल निशंक जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसके बाद में देखते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास में है श्री अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय इनके पास में है, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय भी इनके पास में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भू विज्ञान मंत्रालय इनके पास में है, श्री प्रकाश जावड़ेकर ये भी सुर्खियों में है इसको भी याद रखिएगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, श्री पीयूष गोयल रेल मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। उसके बाद में श्री धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एवं प्रकृति गैस मंत्रालय इस्पात मंत्रालय, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए श्री मुख्तार अब्बास नवकी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, श्री प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय। नेक्स्ट गाइस आपके पास में है डॉक्टर महेश नाथ पांडे जो कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, श्री अरविंद गणपत सावंत भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, श्री गिरिराज सिंह पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय। देखिए ये मंत्रालय अभी नया बना है तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अभी तक हमने जो है कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि कैबिनेट मंत्रालय के सभी मंत्रियों के बारे में जानकारी ली, अब हम यहाँ पे राज्य मंत्रियों के बारे में बात करेंगे जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, और इनमें सबसे पहले हैं श्री संतोष गंगावर और इनको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद में है श्री राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय योजना मंत्रालय। आगे हैं श्री श्रीपद येस्य नाइक आयुर्वेद योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्धा होम्योपैथिक मंत्रालय, और ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। नेक्स्ट आपके पास में है श्री किरण रिजिजू युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, श्री प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्रालय। देखिए ये भी सुर्खियों में है और किरण रिजिजू ये भी सुर्खियों में है तो दोनों याद रखिएगा। श्री राजकुमार सिंह बिजली मंत्रालय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, श्री हरदीप सिंह पुरी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय नागरिक विमान मंत्रालय। नेक्स्ट आपके पास में है श्री मनसुख एव मंडाविया इनको है जहाजरानी मंत्रालय दिया गया है। अब हम देखते हैं राज्य के मंत्री जो कि सबसे पहले हैं श्री श्रीपद येस्य नाइक इनको रक्षा मंत्रालय दिया गया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग, यानी कि ये इनको स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया गया है, ये सहायता करने के लिए दूसरों की मंत्रियों की इनको चुना जाता है। उसके बाद में है श्री किरण रिजिजू अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, श्री राजकुमार सिंह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट आपके पास में है श्री हरदीप सिंह पुरी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, श्री मनसुख एव मंडाविस रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, श्री फगन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्रालय, श्री अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, श्री अर्जुन राव मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, जनरल वी के सिंह सेनावृत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट आपके पास में है श्री कृष्ण पाल जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है इनके पास, श्री दानवे राव साहेब उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, श्री जी किशन रेड्डी गृह मंत्रालय, श्री पुरुषोत्तम रूपाला कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, श्री रामदास अठावले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये भी सुर्खियों में रही हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी गौर फरमाइएगा। हो सकता है आप सोच रहे हैं सर इन सभी को इतना याद करना कैसे पॉसिबल होगा, तो आप एक बार देख लीजिए जितना याद होता है उतना ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो इस पीडीएफ फाइल में ऊपर की तरफ आपको मिलेंगे, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे डाटा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता जाएगा, लेकिन एक बार हम इसको पूरा रिवाइज कर रहे हैं तो देखिए। आगे है आपके पास श्री बाबुल सुप्रिया पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्री संजीव कुमार बालियान पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। आगे है श्री
धोत्रे संजय सामराव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट आपके पास में है श्री अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा, रेल मंत्रालय, श्री नित्यानंद राय, गृह मंत्रालय, श्री रतन लाल कटारिया, जल शक्ति मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय। देखिए ये सभी मंत्री जो लास्ट में अभी आपको मैं करा रहा हूँ राज्य मंत्री से, वो सभी जो हैं सहायक मंत्री हैं, ये पूर्ण रूप में इनको कोई भी मंत्री का प्रभार नहीं दिया गया है, तो ये दूसरों की मंत्रियों की सहायता करने के लिए चुने जाते हैं। श्री वी मुरलीधरन, विदेश मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय। श्रीमती रेणुका सिंह सरूता, जनजातीय कार्य मंत्रालय। श्री सोम प्रकाश, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट आपके पास में है श्री रामेश्वर तेली, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय। श्री प्रताप चंद्र सारंगी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। उसके बाद इसके श्री कैलाश चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। सुश्री दोबाश्री चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सो गाइस फाइनली सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं, जितने इंपॉर्टेंट थे आपके पास में। वैसे इंपॉर्टेंट तो जो मैंने आपको लगाए हैं उतने भी अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। सभी तो आई नो कि आपसे याद नहीं हो पाएंगे और किसी से भी नहीं हो पाते हैं, बहुत कम केस में ही याद हो पाते हैं, और अगर आप इनको रेगुलरली रिपीट करते तभी याद कर सकते थे। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसका PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी वो सभी मैंने बता दी। मोस्टली आपसे CM और गवर्नर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कम से कम उतना जरूर याद रखिएगा। सो गाइस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक के लिए, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर पहुंचा देना। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ इसे एक शेयर भी ज़रूर कर देना। कोई भी समस्या रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।